चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच इंदौर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी तबादले से जुड़ी हुई है, आईएएस अफसरों के तबादले से जुड़ी बड़ी अपडेट इंदौर से सामने आ रही है और लोकेश जाटव अब वाणिज्यिक कर आयुक्त बने हैं। बड़ी जानकारी, राघवेंद्र सिंह को तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, राघवेंद्र सिंह तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आईएएस अफसरों के तबादले से जुड़ी बड़ी अपडेट इंदौर से जिस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिस बीच सामने आ रही है इंदौर से आईएएस अफसरों के तबादले से जुड़ी अपडेट है, लोकेश जाटव वाणिज्यिक कर आयुक्त बने हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राघवेंद्र सिंह को तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और आपको बता दें कि राघवेंद्र सिंह जो है वो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इंदौर से है, आईएएस अफसरों के तबादले से जुड़ी ये जानकारी है। और आपको बता दें कि आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और इसमें लोकेश जाटव जो है वाणिज्यिक कर आयुक्त बनाए गए हैं। वही साथ ही साथ राघवेंद्र सिंह भी जो है उनका भी तबादला हुआ है और तकनीकी शिक्षा विभाग में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राघवेंद्र सिंह। बड़ी अहम जानकारी है ये, इंदौर से सामने आ रही है, आईएएस अफसरों के तबादले से जुड़ी अपडेट है ये। कई अफसरों के तबादले किए गए हैं, कई अफसरों के विभाग जो हैं वो बदले गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आईएएस अफसरों के विभाग बदले गए हैं और उससे जुड़ी ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो राघवेंद्र सिंह को तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये बड़ी जानकारी है। राघवेंद्र सिंह जो हैं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त जो हैं नियुक्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं, जिस बीच सामने आ रही है इंदौर से आईएएस अफसरों के तबादले से जुड़ी बड़ी अपडेट है। तो ये तबादले जो है अपने आप में बेहद अहम, बेहद खास। आपको बता दें कि ये तबादले हुए हैं और आईएएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए गए हैं, विभाग जो है वो तबादले के तहत बदले गए हैं। इसी बीच सहयोगी नाज पटेल हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नाज, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, इन तबादलों में किन किन अफसरों का नाम शामिल है? नाज, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आप सुन पा रही है मुझे? तो एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी से। तो इसी बीच हमारे सहयोगी नाज हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। नाज, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आईएएस अफसरों के तबादले की खबर है, कितने अफसरों के तबादले किए गए हैं? चलिए, हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ।